हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास ये ओप्पो F1S आया है जो कि डेड है, चालू नहीं हो रहा। कस्टमर का कहना है कि ये फ़ोन चालू था, अचानक बंद हो गया। अभी वो चालू कर रहे तो गर्म हो रहा है और चालू नहीं हो रहा। तो चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। पहले तो हम इसे सबसे पहले चार्जिंग पे लगा के चेक करेंगे कि क्या रीडिंग्स आ रहे हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो पहले हम चार्जिंग लगा के चेक कर लेते हैं। चार्जिंग पे लगाने के बाद देखिए ये 0.6 रीडिंग ले रहा है। रीडिंग तो नॉर्मल है, चालू होना चाहिए फ़ोन को, लेकिन फिर भी फ़ोन चालू नहीं हो रहा है। अभी हम चेक करेंगे इसमें कहीं तो भी शॉर्टिंग तो नहीं है, फ़ोन पोर्ट भी नहीं बना रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, पोर्ट तो नहीं बना रहा है। देखिए अभी हम इसको चेक कर रहे हैं, फ़ोन पोर्ट बना रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे पोर्ट बनना चाहिए, मीडिया टेक का है तो यहाँ पे मीडिया टेक पोर्ट बनना चाहिए, लेकिन पोर्ट भी नहीं बना रहा है। इसका मतलब है कि फ़ोन में कुछ दूसरा प्रॉब्लम है। देखते हैं अभी आपके सामने रहेगा, फटाफट से हम इसमें शॉर्टिंग है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। शॉर्टिंग के लिए हम इसे बीप मोड में रखेंगे और फिर फटाफट से शॉर्टिंग चेक कर लेंगे। ये ग्राउंड है और इसका ये प्लस है। तो दोस्तों शॉर्टिंग तो नहीं आ रही है। अभी डायोड मोड में रखकर इसका GR भी चेक कर लेते हैं, क्या GR आता है। GR देखिए दोस्तों, GR जो है वो थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है, अब नॉर्मल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें शॉर्टिंग ज़रूर है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। क्योंकि इसका GR 400 to 500 के बीच में रहना चाहिए, कभी कभी 700 से 800 के ऊपर चला जा रहा है। तो GR थोड़ा अब नॉर्मल आ रहा है। देखिए अभी ये GR देखिए आप, तो इसमें कहीं ना कहीं तो भी शॉर्टिंग है, इसके वजह से ये फ़ोन चालू नहीं हो रहा। फिर भी अभी कंफर्म नहीं है, हम वन बाय वन एक एक पे चेक कर लेते हैं शॉर्टिंग है कि नहीं। कहीं भी शॉर्टिंग तो नहीं बता रहा है। एक बार हम इसे DC पे चालू करके देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, DC से चालू होता है, बैटरी डिस्चार्ज रहती है या कुछ वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो देखिए DC में जैसे दोस्तों कनेक्ट किए हैं, DC में ये 0.1 रीडिंग ले रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फ़ोन कंफर्म है कि अभी शॉर्ट है। फिर भी हम एक बार इसे चालू करके देख लेते हैं। ये ऑटो रीडिंग लिया है 0.1। अभी देखिए बटन प्रेस करने पे पावर बटन है, 400 रीडिंग ले रहा है। और ये क्या, बटन रिलीज करते ही 0 पे हो जा रहा है। इसका मतलब है कि फ़ोन चालू नहीं हो पा रहा है और ये 0.1 पे स्टक है। 100% कहीं ना कहीं फ़ोन फॉल्ट है। फ्रेंड्स अभी मैं जैसे चेक कर रहा हूँ पावर बटन दबा के, ये पावर IC हीट हो रही है। ये पावर IC जो है ना इसका मीडिया टेक MT6353V, ये हीट हो रही है। कंफर्म हो गया है दोस्तों कि अभी ये फ़ोन शॉर्ट है। तो शॉर्टिंग निकालने का दोस्तों सबसे अच्छा है, आप वन बाय वन चेक कर सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है, लेकिन इसमें आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है। अब पता भी कंफर्म नहीं हो पाता, अगर समझ लो एक या दो दो से ज़्यादा या तीन से ज़्यादा कंपोनेंट शॉर्ट हैं तो आप सबको तो निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है, रोजिन मिलता है मार्केट में 20-25 रुपये का मिलता है, इसके थ्रू शॉर्टिंग आसानी से निकाली जा सकती है। तो चलिए अभी आपको इस वीडियो में वही दिखाएंगे। सबसे पहले आपको ये रोजिन इस पर अप्लाई करने का, जिस एरिया में भी आपको डाउट हो कि यहाँ पे हीटिंग हो रही है, उस एरिया में मदरबोर्ड पे ये रोजिन ऐसे अप्लाई करने का। ये रोजिन
उसका जो स्मोक है दोस्तों, ये सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, तो इसे स्मेल ना करें, इसे थोड़ा दूरी बना के रखें और सावधानी से इसे ऐसे धीरे धीरे करके पेशेंस के साथ सब्र रखने का, और स्मोक अच्छे से सभी जगह पे अप्लाई कर लें, हर कैपेसिटर आईसी जितने सब जगह पे अप्लाई कर लेंगे तो बहुत ही आसानी होगी फॉल्ट को फाइंड करने में। दोस्तों अभी ये नेटवर्क सेक्शन पे भी मैं अप्लाई कर लेता हूँ, क्या मालूम कहीं कभी कभी नेटवर्क सेक्शन में भी शॉर्टिंग होने की वजह से पावर ऐसे हीट करती है, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन में भी अपनी वी बैट की और वी पी एच की लाइन आती है। इसके लिए मैं नेटवर्क सेक्शन पे भी अप्लाई कर दूंगा। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं आप, जैसा कि देख रहे हैं ये एकदम रोजिन अच्छे से लग गया है। अभी हम इस पे पावर अप्लाई करके देखेंगे कौन सा कंपोनेंट हीट हो रहा है। तो जैसा कि अपने पास डीसी सप्लाई है, तो आप उन डीसी से ही पावर इंजेक्ट करके देखेंगे। यहाँ पर आप नॉर्मल दोस्तों 4 वोल्ट और 2 एम्पियर पे ही रख के कर सकते हैं फर्स्ट, क्योंकि अभी अपना 2 एम्पियर पे ही हीट हो रहा था, तो अपने को कोई टेंशन नहीं 4 वोल्ट 2 एम्पियर पे डायरेक्ट वी बैट पे, क्योंकि इससे ज़्यादा कर देंगे पावर तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए दोस्तों उधर पर अभी भी शॉर्टिंग का बता रहा है। अभी चलिए देखते हैं, इधर पावर बटन दबाने पे हीट हो रहा था, तो देखते हैं अभी कौन सा कंपोनेंट हीट हो रहा है। ठीक है, ये आप ध्यान से देखिए दोस्तों, पावर बटन दबाने पे पावर आईसी हीट हो रही थी, तो देखते हैं सचमुच पावर आईसी खराब है कि कुछ उससे पहले भी हीट हो रहा है। देखिए दोस्तों पावर ऐसे बहुत जल्दी हीट हुई है, लेकिन उसके बाद पास में देखिए कैपेसिटर भी हीट हुआ है, नीचे साइड में देखिए जूम हो रहा, अब देख पा रहे हैं दोस्तों उसके नीचे एक कैपेसिटर भी हीट हुआ है, और स्टार्टिंग उस कैपेसिटर से हीट होना शुरू हुई है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से कैपेसिटर ही शॉर्ट है, फिर भी आपको एक बार अच्छे से दिखाने के लिए मैं वापस उस पर रोजिन लगाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स अभी वापस उस पर अच्छे से रोजिन लगा दिया, अभी आप ध्यान से देखिएगा, जूम कर दो कैमरे, कैमरा फुल जूम कर दो। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप ध्यान से देखिएगा, मैं अभी पावर बटन जैसे ही प्रेस करूँगा, ये मैं पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ, 1 मिनट। देखिए पावर बटन मैं प्रेस किया और वो आईसी के साथ साथ ये कैपेसिटर भी हीट हुआ। देखे दोस्तों, तो कंफर्म है ये कैपेसिटर, नहीं तो फिर ये आईसी में से दोनों एक तो भी शॉर्ट हैं। पहले हम कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं, और कहीं पे भी देखिए दोस्तों हीटिंग नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी मेल्ट नहीं हुआ है, सिर्फ यही आईसी और एक कैपेसिटर मेल्ट हुए हैं। पहले कैपेसिटर चेक करेंगे हीटिंग है कि नहीं उसमें, तो शॉर्टिंग है कि नहीं, उसके लिए चेक करने के लिए हम इसे बीप रेंज में रखेंगे मल्टीमीटर को, और चेक करेंगे शॉर्टिंग है कि नहीं। तो ये तो बीप दे रहा है, देखिए फ्रेंड्स से कैपेसिटर दोनों साइड से बीप दे रहा है। तो क्या दोस्तों इसमें ये पावर आईसी भी शॉर्ट हो सकती है और ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, लेकिन आप उन डायरेक्ट ही पावर आईसी पे काम नहीं करेंगे, पहले हम सबसे पहले ये कैपेसिटर को ही रिमूव करके देखेंगे, उसके बाद हम पावर आईसी पे काम करेंगे। अगर कैपेसिटर निकालने के बाद भी शॉर्टिंग नहीं जाती है तो हम काम करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आप कैपेसिटर को निकालने के लिए ब्लोअर का यूज़ ना करें, डायरेक्टली इसे आप निकाल सकते हैं तोड़कर या किसी भी तरीके से, क्योंकि ये जो है आईसी वो पेस्टेड आईसी है दोस्तों, और एक कैपेसिटर ना होने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है बोर्ड में। लेकिन हाँ दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप कोई कैपेसिटर निकालें तो वहाँ दूसरा कैपेसिटर ज़रूर निकाल दें, कैपेसिटर मोबाइल को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, बट इस केस में हम क्या करेंगे, कैपेसिटर निकाल देंगे, क्योंकि वहाँ पर जो आईसी है वो पेस्टेड है, और पेस्टेड आईसी के आसपास हीट लगने से फ़ोन बंद भी हो सकता है, तो आप इसका खास ध्यान रखें। कभी भी कैपेसिटर को निकाले तो वहाँ रिप्लेस ज़रूर करें, लेकिन कभी काल ऐसा आ जाता है सिचुएशन कि वहाँ पे हम रिप्लेस तो नहीं कर सकते। अभी क्या यहाँ पे रिप्लेस करने जाएंगे तो ब्लोअर से हीट लग के वो ख़राब हो सकता है। तो देखिए अभी मैं कैपेसिटर तो निकाल दिया हूँ,
कैपेसिटर निकाल दिया हूँ, अब चेक कर लेते हैं वहाँ पे शॉर्टिंग है कि नहीं वापस। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे शॉर्टिंग तो नहीं बता रहा अभी। देखिए वन साइड ये ग्राउंड है और ये इसका सप्लाई लाइन है, इधर देखिए शॉर्टिंग तो नहीं बता रहा है, इसका मतलब कि वो कैपेसिटर ही शॉर्ट था। तो अभी हम फटाफट से वापस डीसी के थ्रू फ़ोन को चालू करके चेक कर लेते हैं फ़ोन चालू होता है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं डीसी मिला है, देखिए अभी रीडिंग भी 01 जो ऑटो ले रहा था वो नहीं ले रहा है अभी। हम मतलब कि शॉर्टिंग तो चली गई है, लेकिन देखते हैं फ़ोन चालू होता है कि नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लाइव आपके सामने ये ओप्पो फोन चालू हो गया सक्सेसफुली, और देखिए रीडिंग भी उधर अच्छे से ले रहा है, और इधर हीटिंग भी कुछ नहीं हो रही है दोस्तों, हीटिंग भी कुछ भी नहीं हो रही है, और ये फ़ोन चालू हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप भी अच्छे से समझदारी के थ्रू काम करेंगे तो आपका भी काम हो जाएगा। बाकी अच्छे से समझदारी के थ्रू काम करेंगे तो आपका भी काम हो जाएगा।